अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा दोस्तों, मैं ना आपको इसकी लीकेज के हवाले से कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, इसको फोकस करके दिखाओ बेटा। ये इस तरह की अगर आपके पास लीकेज आना शुरू हो जाए ना, तो इसकी गेज का रिंग तो हमने दो बार चेंज किया, गेज की इसकी एल की लीकेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसकी लीकेज हो रही है ना, यहाँ से क्लच कवर का जैन जो है ना वो फटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसकी लीकेज हो रही है सारी। तो आए इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या नुक्स है। मैंने कहा दोस्तों के साथ, हर दूसरे बंडफे में ये नुक्स ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने कहा दोस्तों के साथ जो है ना ये शेयर कर दूँ। और इसकी पैकिंग डालने का क्या तरीका है, इसको कैसे डालते हैं, आए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने केक ओपन कर लेनी है। इसका साइड कवर खोलने ये जो है ना परेशान कर रहा है। आयल आपने पहले इसका निकाल लेना है, तो लड़का जो है ना आयल इसका निकाल रहा है। गेट ओपन करके फिर इसकी जो है ना ये क्लच वाली वायर जो है ना आगे दबा के इस तरह ये आपने बाहर निकाल लेनी है, एक साइड पे कर लेनी है। इसके बाद ये फोटोस और सेंसर वगैरह मैंने पहले खोल लिया है इसका, कुछ टाइम बचाने के लिए ना, ताकि आप दोस्तों का और हम अपना टाइम जो है ना वो बच सके। हाँ जी, तो इसको भी हम ओपन कर लेंगे केबल को। ये ले जी, ये दोनों चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। आप जो है ना आठ की गोटी की मदद से जो है ना हम इसको खोल लेंगे क्लच कवर को। नंबर में इसका देख लो, स्लो स्लो चल रही है, स्लो स्लो मजा नहीं आता। तो अगर ये गन आपके पास नहीं है तो आप मदद से जो है ना टी की मदद से भी ओपन हो सकते हैं ये। और की गेज इसकी निकाल लेते हैं पहले, ताकि यहां से हम पकड़ सकें इसको। ये देखिए, इसकी गेज का मसला नहीं है, अगर गेज का आयल होता ना तो यहां पर उधर नहीं जाता, ये यहां से इधर आता, ठीक है। तो इसकी मैं पैकिंग आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या जो है ना वो मसले आए हुए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये है क्लच कवर और ये देख लें, अगर हम इसके ऊपर जितना भी जोर लगाते ना, ये देखें, ठीक है, जितना भी जोर लगाते, इसकी कसाई करते, इसको कुछ भी करते, तो ये लीकेज जो है ना बंद नहीं होने थे। ये देख रहे हैं, इसने अपनी जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ना ये एल जो है ना बाहर आ रहा था, ठीक है, इधर से भी टूटा हुआ था जैन, इधर से भी टूटा हुआ है सारा। तो ये पैकिंग इसकी हम चेंज करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, साफ करके इसको फिर दोबारा फिट कर देते हैं। अगर आपके पास भी, अगर आपकी बाइक भी अगर ये मसला करती है, तो ये होता किस वजह से है, ये गाड़ी जब ज़्यादा ओवर हीट होती है उसकी वजह से जो है ना ये ऐसा करता है, जैन ख़राब हो जाता है बाद, ठीक है। तो इसको हम साफ करके इसकी न्यू जेन्युइन पैकिंग डालेंगे और उसके बाद इसको धो के फिट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी जल्दी से सफाई कर लूँ, मैं आपको सफाई करके फिर फिटिंग इसकी दिखाता हूँ आपको। जी दोस्तों, तो इसको हमने साफ जो है ना वो कर लिया है आपके सामने, ये देखें बिल्कुल साफ और क्लीन हो गया है। तो इसके अंदर ये अब पैकिंग जो है ना हम नई लगाएंगे। नई पैकिंग लगाते वक्त इस चीज़ का आपने खास ख्याल करना है कि इसकी ये वाली डबल पिन है ना, ये लाजमी होनी चाहिए, ये फेस को बराबर रखती है। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करते ना, अगर ये ख़राब है या डैमेज है या आप जो यानी कि ये नहीं लगाते, तो इसकी वजह भी होती है कि जैन जो है ना इधर उधर हो जाता है, फिर जो है ना लीकेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसकी ये वाली पैकिंग हम लगा के अब इसका क्लच कवर लगा देते हैं। इसका सिर्फ हमने ये पैकिंग चेंज किया और इसका कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर क्लच वलच का कोई काम होता तो इसको आगे खोलते जाके, लेकिन इसका आगे कोई काम नहीं था, तो इसको दोबारा फिट कर देते हैं ऐसे। इसके लगाने का तरीका भी एक है छोटा सा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्लच कवर किस तरह लगाया जाता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, अगर इसको मैं ऐसे लगाता रहूँगा तो सारा दिन बैठा रहूँगा, नहीं लगेगा, ठीक है। जब तक ये लीवर को मैं आगे दबा के इसके अंदर जो है ना, ये देखिए मैं आपको इधर से दोबारा भी दिखा देता हूँ, कहाँ पर लगना होता है, कैसे लगना होता है। ये बड़े उस्तादों को तो पता है, छोटे बच्चों को पता नहीं होता जो मेरी वीडियो देखते हैं। ये देखें, ये लीवर जो है ना, ये वाली गोटी, ठीक है, यहाँ पे बैठती है। अब यहाँ पे लीवर खड़ा है तो ये यहाँ पे नहीं आएगी, जब तक मैं इसको अपनी जगह पे नहीं लेके जाऊँगा। जब इसको अपनी जगह पे लेके आऊँगा तो ये बैठ जाएगा, अगर इसको ऐसे फिट करूँगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली गोटी जो है ना इसके अंदर आके फिट होनी है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये बात मेरी। तो अब इसको जो है ना हम फिट कर देते हैं ऐसे।
ये देखिए, अब डबल पिन के सामने आ चुके हैं। अब इसको जो है ना हम इसे घुमाएंगे, ये देखिए घुमाते ही उस पिन के अंदर जो है ना बैठ गया, वापस नहीं आ रहा क्योंकि उसके अंदर बैठ चुका है। तो अब जो है ना हम इसको लगा देते हैं, ऐसा ठीक हो गया। अब हमारे जैन जो है ना अपनी जगह बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में, ठीक है। तो अब इसकी बोल्ट लगा दे, तो ये सारे बोल्ट में लगा देता हूँ। तीन बोल्ट जो है ना वो 370 के पार्ट के होते हैं और 125 का एक बोल्ट जो है ना वो लंबा होता है, बाकी सारे बराबर होते हैं। तो जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं ये टोटल बोल्ट कितने हैं जो मैं लगा रहा हूँ, जल्दी से बताएं। आप गिनना शुरू नहीं कर देना, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दें कि ये बोल्ट टोटल कितने हैं, जब तक मैं इनको टैग कर लेता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं इसको टाइट करने का। तो इस तरह अगर बराबर टाइट करेंगे तो ये जैन ना खराब होगा ना इसके ये नीचे लेने के लीक होने के चांस है। तो ये हमारे टाइट हो गए बोल्ट। अब जो है ना इसको गेज ये लगा देते हैं। अच्छा, हवा का प्रेशर बहुत कम था तो इसकी वजह से जो है ना जरा मजा नहीं आया बोल्ट टाइट करने का। तो बाकी बोल्ट जो है ना मैं वो गोटी की मदद से इनको फुल टाइट कर देता हूँ। ये ले जी, तो मौसम का सुनाएं यार। मौसम तो आजकल माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है, बारिशें हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में और उसी की वजह से जो है ना हमारा इलाके में अब ठंड जो है ना वो आ चुकी है, कुछ काफ़ी बेहतर मौसम हो चुका है। और इधर फ्लड भी जो है ना वो भी आया हुआ है पहाड़ी साइड से ना, तो इधर हमारे इलाके को ख़तरा भी है फ्लड का। दुआ करें कि खैरियत से गुजर जाए वो इधर से, ठीक है। तो आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है, जो अगर फ्लड में जो लोग फंसे हुए हैं अल्लाह उनकी मदद भी करे, ठीक हो गया। तो इसका ये लीवर भी हम ऐसे लगा देते हैं, लीवर लगा के इसको ग्लास के साथ जो इसको बिठा देते हैं। उसके बाद जी ये वाली ये भी हम लगा देंगे बोटी। अब इसका ये वाला स्क्रू जो है ना वो लाजमी लगाना है, इसके अंदर केबल नहीं है। अगर केबल लगी है तो पहले केबल लगानी है, उसके बाद जो है ना आपने वो तार पहले उस बोटी के अंदर लगानी है, उसके बाद केबल ऊपर से बिठानी है, ठीक हो गया। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप दोस्तों के लिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। तो इसकी पैकिंग हमने चेंज कर दी है, इसकी केक सेंसर फोटोस बार लगाते हैं, इसको ओके करते हैं। जो मेरा मकसद था आप दोस्तों के साथ इसका नुक्स शेयर करना, वो आपको मैंने लाइव करके दिखाया है इसका क्या नुक्स है, क्यों आया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।